प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में आज इस वीडियो में आप पांचवा अध्याय 1857 का विद्रोह के अंतर्गत 1857 की क्रांति का आरंभ एवं विस्तार तथा विद्रोह का दमन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए 1857 की क्रांति का आरंभ एवं विस्तार। इस क्रांति के आरंभ होने से पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। बैरकपुर के बाद यह विद्रोह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ। यहीं से इस विद्रोह का आरंभ माना जाता है। 24 अप्रैल 1857 को कुछ भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 85 सैनिकों को जेल में डाल दिया। 9 मई की शाम को जब कुछ सिपाही नगर में घूमने निकले तो मेरठ शहर की स्त्रियों ने उन पर ताने कसे। उन्होंने कहा, छी, तुम्हारे भाई जेल में है और तुम यहाँ बाजार में मक्खियां मार रहे हो, तुम्हारे जीने पर धिक्कार है। यह सुनते ही सिपाही जोश में आ गए और उन्होंने अगले ही दिन 10 मई को जेल खाना तोड़कर सभी कैदियों को जेल से छुड़वा लिया और उसी रात्रि को दिल्ली की तरफ चल दिए। दिल्ली पहुंचकर विद्रोही सिपाहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। दिल्ली के सिपाही भी विद्रोह में शामिल हो गए। इस विद्रोह का समाचार आग की तरह आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। सैनिकों का जगह जगह स्वागत किया गया। किसानों, कारीगरों और सामान्य व्यक्तियों ने इस विद्रोह में सैनिकों की बहुत सहायता की। जगह जगह सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ। 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अवध के जमींदारों, किसानों और सैनिकों ने उसकी मदद की। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व नाना साहब ने किया। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां ने इस विद्रोह को संगठित रूप प्रदान किया। कानपुर में सती चौरा नामक स्थान पर सभी अंग्रेजों को परिवार सहित नौकाओं में बिठाकर गोली से भून दिया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। उन्होंने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया। उन्होंने आरा के निकट ब्रिटिश सैनिकों को पराजित किया। परंतु 27 अप्रैल 1858 को घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रुहेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया। किसने किया? अहमदुल्ला ने। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों में भी यह विद्रोह फैला। परंतु दक्षिण में इस विद्रोह का क्षेत्र बहुत सीमित रहा। आगे देखिए विद्रोह का दमन। संपूर्ण विद्रोह के दौरान
हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से भिड़ाने की कोशिश की, परंतु वे इस चाल में सफल नहीं हुए। किंतु विद्रोह इतने व्यापक स्वरूप का होने पर भी एक साल से कुछ समय बाद ही कुचल दिया। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। बहादुर शाह को बंदी बनाया गया, उसे रंगून में निर्वासित कर दिया। वहीं पर सन 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके तीनों पुत्रों को पकड़कर दिल्ली में मौत के घाट उतार दिया गया। सितंबर 1857 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया, मगर बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल भाग गई। अप्रैल 1858 में गंभीर रूप से घायल होने के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। जून 1858 में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की भी मृत्यु हो गई। नाना साहब नेपाल चले गए। तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेजों से 2 साल तक लड़ते रहे, परंतु एक मित्र के विश्वासघात के कारण वह अंग्रेजों के कब्जे में आ गए तथा उन्हें फांसी दे दी गई। 1858 तक विद्रोह को कुचल दिया गया। विद्रोह के दमन के दौरान और उसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोही नेताओं, सैनिकों और आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया। विजयी ब्रिटिश सैनिकों ने बड़े पैमाने पर अत्याचार किए और बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत से गांवों को मिट्टी में मिला दिया गया, शहरों को खूब लूटा गया, बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी 1857 की क्रांति का आरंभ एवं विस्तार तथा विद्रोह का दमन को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।